हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्डिनो यूनो के सारे आउटपुट एंड इनपुट जितने भी पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस पोर्ट किस काम के लिए यूज़ किया जाता है और आप किस काम के लिए यूज़ कर सकते हो। सारे पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो गाइस देख सकते हो, ये जो हमारे पास आर्डिनो यूनो वर्जन 3 है, तो इसका जो इनपुट और आउटपुट का सारे जो पिन है, जो कि हमें जब भी प्रोजेक्ट करता हूँ किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी भी रोबोटिक्स का, तो हमें जो भी पिन का और जो भी आउटपुट की ज़रूरत होती है, वो सारे आउटपुट हमने इस बोर्ड के अंदर मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस साइड का जो पिन है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, और इस साइड का जो पिन है सारे के सारे मैंने इस साइड पे ड्रॉ करके रखा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस साइड से। तो देखिए, आप यहाँ पे जो 0 से लेकर 13 तक, यानी कि फास्ट जो दो पिन है 0 और ऑन, वो किस लिए यूज़ किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने लिख के रखा हूँ, जो 0 वाला पिन है ये यूज़ किया जाता है सीरियल इनपुट के लिए। यानी कि कोई भी आप सेंसर यूज़ कर रहे हो, उस सेंसर का जो अगर इनपुट सिग्नल है, इसको देने के लिए आपको डिजिटल इनपुट सिग्नल है, अगर आप रीड करना चाहते हो, अपने यूनो के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो ये वाला पिन आप यूज़ कर सकते हो, और आउटपुट के लिए ये। तो एक और दो का हमारा कनेक्शन हो चुका है, और उसके बाद हम 2 से लेकर 13 तक जो भी पिन है आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 नंबर से लेकर 13 नंबर तक पिन जो हमारा डिजिटल आउटपुट है, PWM सिग्नल का आउट इनपुट एंड आउटपुट, आप दोनों हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है कि कोई भी डिजिटल सिग्नल आप इनपुट करना चाहते हो अपने कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या अगर कोई आउटपुट करना चाहते हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ। आपने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। वो था, मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, कि आप अपने वॉइस से किस तरीके से आप अपना जो घर का एक अप्लायंसेस है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और उसके बाद गाइस, हमने यहाँ पे देख सकते हो 6 पिन है, जो कि यहाँ पे मेल हेडर लगा हुआ है। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है, सारे लोगों को ये पता नहीं है, तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पिन है, यानी कि अगर हम ऐसे आर्डिनो यूनो को इस तरीके से पकड़ेंगे, तो यहाँ से जो फास्ट वाला पिन है, तो यहाँ पे देख सकते हो, 1 नंबर पिन हमारा रीसेट के लिए, 2 नंबर पिन हमारा D13, 3 नंबर हो गया D12, एंड यहाँ पे ये जो पिन है ये ग्राउंड के लिए, उसके बाद ये वाला हमारा D11, और ये वाला हमारा 5 वोल्ट के लिए। तो ये जब कब यूज़ करोगे, नीचे देख सकते हो मैं इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर। तो मान लीजिए आपके पास कोई SMD पैकेज में कोई भी प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आप कोई भी कोड, यानी कि स्केच आप उसमें इंस्टॉल करना चाहते हो, यानी कि अपलोड करना चाहते हो, तब आप तो उसको निकाल के यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे जो ऐसे लगा हुआ था, आप तो यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये जो सारे कनेक्शन उस प्रोग्रामर के, यानी कि वो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके साथ कनेक्शन करना होगा। इसके ऊपर ही मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप दूसरे जो प्रोग्रामर है, यानी कि दूसरे जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसको किस तरीके से इन सारे पोर्ट के ज़रिए आप प्रोग्राम कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप सारे लोगों को पता चले। और उसके बाद अगर हम बात करें A5 से लेकर, यानी कि A0 से लेकर A5 तक जो हमारा पिन है, ये हो गया हमारा एनालॉग पिन। यानी कि अगर कोई भी आपके पास एनालॉग पिन है, चाहे भी आपके पास साउंड है किसी का, और साउंड को आप इनपुट करना चाहते हो, तो ये जो सारे हमारा सिग्नल का पोर्ट है, इस पोर्ट के ज़रिए आप इनपुट कर सकते हो। ये होगा हमारा एनालॉग का, और ये हो गया हमारा डिजिटल का। और उसके बाद आप यहाँ पर जो बाकी सारे पोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पावर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ऊपर वाला जो पिन है, ये हमारा कोई भी काम का नहीं है, वो ज़्यादातर टाइम नॉट कनेक्टेड ही रहता है, ज़्यादा हम ये इस्तेमाल नहीं होता है, तो नॉट कनेक्शन है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 3 नंबर पिक का पिन है, ये हमारा रिसेट पिन हो गया। अगर कोई भी प्रोग्रामर के साथ टाइम पीरियड के अंदर अगर रिसेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देना होगा, और ये जो वोल्टेज है आपका मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट होना चाहिए। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा होंगे तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकती है। तो ध्यान में रहना कि ये हमारा जो रिसेट सिग्नल है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं
होना चाहिए। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हो रीसेट के नीचे 3.3 वोल्ट पावर आउटपुट के लिए। अगर कोई भी सेंसर आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3.3 वोल्ट ज़रूरत है तो आप यहां से भी दे सकते हो। और नीचे है 5 वोल्ट, यानी कि ये वाला देख सकते हो, इसका भी सेम ही काम है। किसी भी बोर्ड के अंदर यानी कि कोई भी सेंसर के अंदर अगर आपको 5 वोल्ट की ज़रूरत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों ग्राउंड है, और यहाँ पे देख सकते हो वी इन यानी कि वोल्टेज इन, यहाँ पे भी आप वोल्टेज इनपुट कर सकते हो। तो ध्यान में रखना है कि जब भी अगर आप यहाँ पे वोल्टेज इनपुट करोगे तो आपका वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपने देखा, अगर प्रोग्राम करते टाइम आपका जो प्रोग्रामर का जो सिग्नल है वो ज़्यादा है तो आप ये जो सारे पोर्ट है यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ग्राउंड हो गया, दूसरे वाला एन, उसके बाद D10, D9 और D11, ये हो गया हमारा 5 वोल्ट। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इस Arduino Uno बोर्ड को अपने प्रोजेक्ट या कोई भी आप बना रहे हो रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट, तो आप इसको इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो बहुत ही जल्द मेरे इस चैनल पे अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट आने वाला है, बहुत ही जल्द मतलब नेक्स्ट महीने से। तो अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट का कुछ सामान है अभी आना बाकी है। तो इसलिए मैं आपको, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप Arduino Uno को अच्छे से समझा के बताइए कि हम एकदम आसानी से समझ जाए। तो ये गाइस कुछ थ्योरेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है आपको बता दिया। तो ये जो सारे चीज़ है अगर आपने देख लिया और इसको किस तरीके से रियल लाइफ में प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से यूज़ करना है इन सारे आउटपुट पोर्ट्स को, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वीडियो बनाऊँगा तो इन सारे जो चीज़ के बारे में मैं अलग से नहीं बताऊँगा, इसलिए मैं अलग से इस वीडियो को आप लोगों के लिए मैंने बनाया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी आप ज़रूरत हो सवाल का, आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप मैसेज कीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, वीडियो को आखिर तक देख